आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल की रेसिपी। बहुत ही आसानी से ये दाल बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और रेसिपी अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बोल, अभी इसमें डाल देंगे मूंग दाल। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी से थोड़ा कम मूंग दाल ले लिया है, वो डाल देंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। और पानी डाल के इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो इस तरह से 2 से 3 बार दाल को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कुकर, अभी सभी दाल को डाल देंगे कुकर पे। तो ये जो दाल की रेसिपी है ना, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होता है, बिल्कुल समय भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने दाल को डाल दिया है, अभी इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की टमाटर को इस तरह से काट कर डाल दिया है। और टमाटर डालने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की प्याज को इस तरह से लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो डाल देंगे। और प्याज को डालने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे 4 हरी मिर्च। तो मैंने हरी मिर्च को थोड़ा सा काट के डाल दिया है। उसी के साथ इसमें ऐड करेंगे अदरक। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक को बारीक बारीक टुकड़ों में कट करके डाल दिया है। उसी के साथ इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर। और अभी इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे बटर। तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच डाल दिया है बटर, आप बटर की जगह घी भी डाल सकते हैं। अभी इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास जितना डाल दिया है पानी। और पानी डालने के बाद प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और अभी इसको गैस पे रखेंगे। तो गैस को मैंने यहाँ पे ऑन करके इसे रख दिया है। तो इसको ना 1 सीटी आने देंगे, 1 से ज़्यादा सीटी नहीं आने देंगे, नहीं तो हमारा जो दाल है वो पूरी तरीके से करी बन जाएगा। तो करी नहीं बनाना है, हमें दाल बनाना है, इसलिए 1 सीटी आने देंगे। तो देख सकते हैं 1 सीटी आ चुकी है, ढक्कन को हटाएंगे और आप लोग देख सकते हैं हमारा जो दाल है वो पूरी तरीके से गला नहीं है। टमाटर और प्याज बाकी जो मसाले डाला था वो पूरी तरीके से गल चुका है। तो अभी चम्मच की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दाल को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल दिया है। अगर आप लोग दाल गाढ़ा खाना पसंद करते हो तो पानी मत डालना। तो मुझे ना थोड़ा पतला दाल पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी 1 गिलास डाल दिया है। अभी दाल को अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे और अभी चलते हैं दाल के ऊपर जो तड़का लगाते हैं ना उसको बनाने। तो मैंने यहाँ पे 1 कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई को हल्का सा गर्म होने देंगे। और जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है लहसुन। तो मैंने यहाँ पे 10-12 लहसुन को बारीक बारीक करके काट कर लिया है, वो डाल देंगे। और लहसुन डालने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता। तो मैंने यहाँ पे 10-12 करी पत्ता को भी अच्छी तरह से वॉश करके डाल दिया है। और इनको अभी हल्का सा फ्राई होने देंगे। जैसे ही ये हल्का सा फ्राई हो जाए इसमें डाल देंगे 4 से 5 सूखा मिर्च। और डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन करी पत्ता और सूखा मिर्च है वो हल्का सा फ्राई हो जाए। जैसे ही ये हल्का सा फ्राई हो जाए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अभी इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अभी हमारा जो दाल है वो उबलना शुरू हो चुका है। तो गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और हमारा जो तड़का है उसको ऊपर से डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से हमारा जो दाल है वो बनकर तैयार हुआ है, देख सकते हैं। और मिक्स करने के बाद ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारा मज़ेदार दाल बनकर तैयार है। तो आप लोग भी इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को। और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय फ्रेंड्स।